गाइज कब से एक दिन में 25 घंटे होने लगेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब एक दिन में 25 घंटा होने लगेंगे, 24 घंटा नहीं रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहे। गाइज पृथ्वी का जो नाम पुराने यानी कि पुराने जमाने में पृथ्वी को क्या कहा जाता था इंग्लिश में, जिसको पुराने जमाने में क्या कहा जाता था हिंदी जमाने, आज तो अर्थ कहा जा रहा है, पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन पुराने जमाने में द ईयर यानी कि पुराने जमाने में अंग्रेजी में द ईयर कहता था, जो कि जर्मनी में मेन अर्थ यानी कि फिर जर्मनी में दूसरा नाम मेन अर्थ इसका रखा गया पृथ्वी का। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी यानी कि पृथ्वी बना है वह यानी कि वहाँ कितने प्रकार यानी कितने प्रकार मिलकर वहाँ पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तीन प्रकार यानी तीन परत है पृथ्वी का। उस परत का क्या नाम है? उस परत का नाम है एक नंबर यानी कि क्रस्ट, दूसरा हो गया द मेटल और तीसरा द कोर, जो कि मिलकर पृथ्वी का बना है। लेकिन अभी नहीं जाइए, मैं बताना चाहता हूँ कि यह अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आज पृथ्वी पर जो यानी कि बिजली गिरता है आकाश जिसे ठनका कहते हैं, वह कितने बार पृथ्वी को यानी कि बार बार चोट पहुंचा रहे हैं वह ठनका, यानी कि बिजली जो आकाश से गिर कर बार बार एक सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में कितने बार संसार में पृथ्वी पर ठनका यानी कि बिजली गिर रहा है। मैं बता देता हूँ कि एक में 100 बार गिर रहा है और एक दिन में कितने बार बिजली पृथ्वी पर गिर रहा है, क्योंकि बार बार पृथ्वी को मार रहा है, 86 लाख बार पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार के बिजली गिर रहे हैं। जो पृथ्वी है वह कितने पुराने जमाने से आ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी पर निर्माण कब हुआ, रिसर्च करके, जैसे कि कोई भी कीड़े मकोड़ों को बताया जाता है कि इतने पुराने जमाने के थे कीड़े मकोड़े, उसी प्रकार पृथ्वी का कितने रिसर्च करके बताया कि कितने पुराने पृथ्वी है यानी कि कितने पुराने वर्ष से आ रहे हैं। 4 से 5 बिलियन वर्ष पुराना पृथ्वी को रिसर्च करके बताए हैं साइंटिस्टों लोग ने कि 4 से 5 बिलियन वर्ष पुराना पृथ्वी है। क्या पृथ्वी पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं? आप लोग कहेंगे कि जी हाँ कहीं कहीं, लेकिन नहीं, हर एक जगह भूकंप हमेशा ही आते रहते हैं। यह कैसा बात हुआ? मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि यानी कि बहुत 0. कुछ मात्रा में पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं, जैसे कि कीड़े को आप जीवाणु कीटाणु को नहीं देख सकते हैं अपने नगण्य आंखों से, आपको माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं छोटे छोटे बहुत कम, उसे नहीं देख पाते यानी कि आप महसूस नहीं कर पाते। जो अधिक मात्रा में आता है यानी कि 70-80% के मात्रा में आता है, उसे आप देख पाते हैं। क्या आप लोग, हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने डिग्री यानी कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन कितने डिग्री झुकी हुई है, कितने कोण पर झुकी हुई है, वह जो कि पूर्ण रूप से मैं बताता हूँ कि 66.6 डिग्री यानी कि 66.6 यानी कि 66.6 डिग्री पर झुकी हुई है। लेकिन वह कितने डिग्री पर झुकी हुई है? वह 23 डिग्री पर झुके हुए हैं, जो कि जीव है यानी कि जीव है और सभी के पास है, जो कि यानी कि गुलाबी कलर का होता है जीव। लेकिन कौन सा एक जीव जंतु है जिसके पास गुलाबी कलर का जीव नहीं होता है? उनके पास यानी कि सफेद, हल्का सफेद कलर का होता है, वह गुलाबी नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कुत्ते यानी कि डॉग को गुलाबी जीव नहीं होता है, वहाँ उसके पास हल्के सफेद रंग। मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहे जाते हैं कि अगर आप चिंगम को यानी कि चबा कर घोंट जा रहे हैं तो आपके अंदर जाकर वहाँ 7 सालों तक रहेगा, वहाँ पूर्ण रूप से निकल नहीं पाएगा। लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चिंगम घोंट जा रहा है तो वहाँ यानी कि वह 2 से 3 दिन के अंदर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रतिदिन आप चिंगम घोंट जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाएगा और आप मर भी सकते हैं, ऐसा प्रतिदिन चिंगम ना घोंट। आज मैं बता चाहता हूं कि एटीएम यानी कि कौन ऐसा देश है या जगह है जहां पर एटीएम नहीं है। बहुत सारे एटीएम हर एक जगह है यानी कि हर सिटी टाउन शहर में है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पर मात्र एक ही एटीएम है, कोई छोटा मोटा नहीं, आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसा जगह है जहां पर मात्र एक ही एटीएम है, कोई छोटा मोटा नहीं, आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। उस जगह का क्या नाम है? यानी कि अंटार्कटिक में दुनिया का एक भी यानी कि अंटार्कटिक में मात्र एक ही एटीएम है। क्या 24 घंटे जो होते हैं वह 25 घंटे कभी हो सकते हैं? जी हाँ, लेकिन कैसे होंगे? पृथ्वी जो अपने घूर्णन कर रहे हैं गति से, वह एक वर्ष में 17 मिली सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में 17 बार वह कम हो जा रही है, जो कि 25 घंटे हो सकती है। लेकिन 140 मिलियन वर्ष बाद वह 25 घंटे का दिन हो जाएगा, एक दिन में 25 घंटे होने लगेंगे, 24 से 25
25 हो जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।